हालत बहुत खराब हो गई है भारतवर्ष की इस स्थिति में, तो सावधान होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। यो जागार तम नीचे कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ते। जो जागता है, जो सावधान रहता है, वो अपने घरों को लूटने से बचा लेता है, और जो सावधान नहीं रहता उसका घर लूट जाएगा। चारों तरफ से हमको छोटा कर दिया गया। हालात कैसे हो गए? हमारे पूर्वज भजनोपदेशक सुनाया करते थे, उन्हीं से सीख करके हम भी आगे बढ़े। कहते थे एक मौलाना मदरसे में पढ़ाता था स्कूल में, उसने एक नया पजामा सिलवाया था, वो थोड़ा सा बड़ा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल को स्कूल में जो है वो जांच करने वाले आ रहे हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, कि नया पजामा पहन करके जाऊंगा, थोड़ा बड़ा है, चार अंगुल काट करके छोटा कर दे। इसने कहा मुझे तो समय नहीं मिलता है, बच्चों को संभालने में लगे रहती हूँ, घर का काम करना होता है, मैं कैसे करूं, मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी ये मेरा पजामा थोड़ा सा बड़ा है, इसे काट करके थोड़ा छोटा करके सी करके रख देना। वो बोली अब्बा मैं स्कूल में जाती हूँ, फिर वहां से काम होता है, उसे पूरा करने में लगी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने लड़के से कहा बेटा तू ही कर देना इस काम को, सबसे अलग अलग कहा। उसने भी जो है बहाने बना दिए। अब मास्टर जी को जब सब तरफ से निराशा दिखाई पड़ी, उत्तर नकारात्मक मिला, तो उन्होंने विचार किया क्यों किसके भरोसे बैठे रहोगे। उन्होंने उसको नाप करके काट करके सी करके और खूंटी पर रख दिया। मुल्लानी ने सोचा कभी ना कभी तो काम को कहा था, मैं नाटकी। उसने भी चार अंगुल नापा, काट करके सी करके छोटा करके खूंटी पर रख दिया। लड़की के मन में भी यही विचार आया, उसने भी काट करके छोटा करके रख दिया, और लड़के ने भी। अब चारों ने जब चार चार अंगुल काट दिया तो 16 अंगुल छोटा हो गया। अब ये भी जो सोचा विचारा कुछ नहीं, अगले दिन का सवेरा हुआ और खूंटी से पजामा उतारा, थैले में रखा और स्कूल में चले गए। बोले जब डिप्टी साहब आएंगे तभी पहनूंगा। इतने में डिप्टी साहब के आने की खबर आ गई कि डिप्टी साहब आने वाले में उन्होंने झट पजामा पहना और पहन करके खड़े हो गए। अब वो ना अंडरवियर रहा ना वो पजामा रहा, कुछ भी। इंस्पेक्टर आगे आकर के देखा तो वो हंसने लगे। मौलाना इधर उधर को देख रहे, पूछा आप साहब क्यों हंस रहे हैं? कहने लगे आपने ये पहन क्या रखा है? अब देखा तो वो घुटनों से नीचे और टखनों से बहुत ऊपर। हमारे देश का भी यही हाल हो गया, यही हाल हुआ। ये कट कट करके छोटा होता चला गया, पर चिंता किसी को। आओ निवेदन करना चाहता हूं कि गिरता ही जा रहा रे भारत कई साल से, गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से, खतरा है भारी जानो भारत गिर हाल से, खतरा है भारी जानो भारत गिर हाल से, गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से, खतरा है भारी जानो भारत गिर हाल से, खतरा है भारी जानो भारत
अपने